राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आचार्य सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भारतवर्ष में ज्ञान विज्ञान, साहित्य, शास्त्र शास्त्र और ऐसी ही अनेक विधाओं के महान ज्ञाताओं ने जन्म लिया है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे आचार्य सुश्रुत। प्राचीन काल के अन्य ऋषि मुनियों की तरह ही इनके विषय में भी तथ्यपूर्ण साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। इसके अनेक कारण रहे हैं, किंतु फिर भी अगर हीरा कोयले की खान में दबा भी रहे तो भी वो अपनी चमक दमक से लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेता है। ऐसे ही एक कोहिनूर थे आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत का जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र उनके पिता थे और इनकी माता का नाम माधवी था। उनका बाल्यकाल वाराणसी में गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर ऋषि विश्वामित्र सुश्रुत को लेकर अपने श्वसुर और काशी के राजा दिवोदास के पास पहुंचे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा गया है। महाराज काशीराज को विश्वामित्र का प्रणाम। चिरंजीवी हो विश्वामित्र, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, आप तो जानते हैं कि मैंने राजकाज का त्याग कर दिया है। इस भौतिक संसार में अब मेरी रुचि नहीं रही, अतः चिरंजीवी अष्टक को राजपाट सौंप दिया है। किंतु सुश्रुत अभी छोटा है। मुझे लगता है कि यदि यह आपके आशीर्वाद की छाया में पलेगा तो इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो सकेगी। इसलिए इसे आपके पास लाया हूं। विश्वामित्र जी, जी यह आपने बहुत अच्छा किया। हम भी बहुत समय से आपसे यही कहना चाहते थे। आपने तो हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया। आप निश्चिंत होकर वन को प्रस्थान करें और तपस्या करके पुण्य लाभ अर्जित करें। हम सुश्रुत की शिक्षा और लालन पालन में कोई कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद महाराज। और इस प्रकार सुश्रुत की शिक्षा अपने नाना के यहाँ शुरू हुई। बालक सुश्रुत पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने जल्दी ही वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र शिक्षा भी प्राप्त की।
लेकिन उसकी रुचि तो आयुर्वेद, विशेषकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में थी। एक दिन अलग हो गई है, कुछ करना होगा। अरे रो मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी उंगली। तेरी उंगली को कुछ नहीं होगा, ये वापस जुड़ जाएगी। उंगली, तू चिंता मत कर। देख, मैं ये दवा का घोल और पट्टी लाया हूँ, हाथ आगे करो। अरे कुछ नहीं होगा, ये मैंने कटी हुई उंगली को घोल में डुबाकर वापस अपने स्थान पर लगाया। कुछ नहीं होगा, अब इस पट्टी से उसे अच्छी तरह बांध देता हूँ, जल्दी ही उंगली ठीक हो जाएगी। ये दवा अपने साथ ले जाओ, रोज इसे इस जुड़ी हुई जगह पर लगा लेना। और हाँ, ध्यान रहे, उंगली को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना मत। विरेचक को विश्वास नहीं था कि उसकी उंगली वापस अपने स्थान पर जुड़ सकती है। आसपास खड़े लोगों ने और बच्चों ने तो सुश्रुत का मजाक भी उड़ाया, लेकिन विरेचक की आंखों में आशा की किरण थी, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। इसीलिए उसने एक सप्ताह तक उस हाथ से कोई काम नहीं किया। और एक सप्ताह बाद सुश्रुत, ओ सुश्रुत, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मित्र, चिल्ला नहीं रहा हूँ, खुशी से पागल हो रहा हूँ। तुमने सच कहा था, देखो तो मेरी कटी हुई उंगली अपने स्थान पर एकदम ठीक ढंग से जुड़ गई है। अरे वाह, अब तो मैं इसे हिला डुला भी सकता हूँ। सुश्रुत, तुम तो सचमुच बहुत बड़े वैद्य हो, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? अरे भाई, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा चिकित्सक होता है। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसके तंतु अलग हो जाते हैं, किंतु एकदम से मरते नहीं हैं। यदि समय रहते उस अंग को सही प्रकार से वापस लगा दिया जाए तो वे तंतु फिर से जुड़ जाते हैं। भाई, मेरी समझ में तो तुम्हारी ये बातें नहीं आती हैं। लेकिन एक बात है, तुमने अभी से ऐसा संभव कार्य कर दिया है तो बड़े होकर तुम तो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दोगे। मित्र, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि भगवान कम से कम मुझे मरते हुए आदमी को बचाने की योग्यता प्रदान करें। देखना, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। विरेचक की बात सच निकली। बालक सुश्रुत जितनी तेजी से बड़ा हो रहा था, उससे भी अधिक तेजी से उसका ज्ञान बढ़ रहा था। और होता भी क्यों ना, आखिर उसके नाना ने ही उसको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, जो स्वयं भी चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ समय बाद औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य के सर्वाधिक योग्य गुरु के पास भेजा गया। वहां भी उन्होंने अपनी विद्वता की धाक जमा दी।
शिष्यो, तुम्हारा अध्ययन पूरा हो चुका है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अच्छा बताओ कि हड्डी के जुड़ने में औषधि का कितना योगदान होता है? गुरुजी, औषधि के बिना तो हड्डी के जुड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ गुरुजी, हमारा भी यही उत्तर है। नहीं गुरुदेव, मेरा मत इनसे अलग है। हड्डी को जोड़ने का कार्य तो हमारा शरीर स्वयं करता है। औषधि का कार्य है हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया को गति देना। एकदम सही। अच्छा अब तुम में से कोई और बताए कि एक शव की परीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया करनी होगी? गुरुदेव, मैं बताऊं? ठीक है, कोई और नहीं बता पा रहा तो तुम ही बताओ। जी गुरुदेव, शव को बहुत सी घास फूस से अच्छी तरह ढककर बहते पानी में रखना चाहिए। ठीक, किंतु क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मृत शरीर की त्वचा शरीर से अलग हो जाती है और शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन भली प्रकार किया जा सकता है। वाह सुश्रुत वाह, तुम धन्य हो। केवल रटने मात्र से विद्या नहीं आती, जैसा बाकी शिष्यों ने किया है। सिखाए हुए पाठ को ठीक से समझना भी होता है, और तुमने यही किया है। जी सुश्रुत, तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम शल्य क्रिया में निश्चय ही बहुत ऊंचा नाम पाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद है कि लोग शल्य चिकित्सा जगत में तुम्हारा ही नाम लेंगे। गुरुदेव, आज मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करता हूँ। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मैं कृतकृत्य हुआ। गुरुजी की बात सत्य हुई। सुश्रुत उस युग के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक के रूप में विख्यात हुए। उनकी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। उन्होंने अपने गुरु और नाना देवोदास से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसी के सूत्रों का संग्रह है सुश्रुत संहिता। इसका केंद्रीय विषय तो शल्य चिकित्सा ही है, किंतु आयुर्वेद के विभिन्न पक्षों की सटीक जानकारी भी इसमें मिल जाती है। 8वीं शताब्दी में इसका अनुवाद अरब वासियों ने अपनी भाषा अरबी में भी किया, जो किताबे सुश्रुत तथा किताब शाने हिंद के नाम से किया गया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान किए और नवीन जानकारियां एकत्र की। उन जानकारियों को वे नए चिकित्सकों को प्रदान करते थे। सभी उपस्थित चिकित्सकों को सुश्रुत का प्रणाम। प्रणाम। मित्रों, आप सब शल्य चिकित्सा के विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में दक्ष हैं। मैंने भी कुछ अनुसंधान किए हैं और उनसे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं। क्षमा कीजिए, हमें पता चला है कि आपने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है। हम सबसे पहले उसी के विषय में जानना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ बताइए। अवश्य, जी हाँ अवश्य। मैंने एक शल्य चिकित्सा की पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इसे मैंने संस्कृत भाषा में ही लिखा है। इसमें मुख्य भाग में 120 अध्याय हैं। इनमें शल्य चिकित्सा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। दूसरा भाग परिशिष्ट रूप में है,
इसे मैंने उत्तर तंत्र का नाम दिया है। उत्तर तंत्र? जी। इस उत्तर तंत्र में क्या बताया गया है? देखिए आचार्य जी, इसमें शरीर की चिकित्सा का ज्ञान कराया गया है। फिर भी नित्य नई बातें सामने आती रहती हैं। ये तो है। जिनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं हो सका है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज की इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य इन्हीं नवीन जानकारियों को आपस में बांटना है। आपके पास कुछ नई जानकारी अथवा प्रश्न हैं तो कहिए। माननीय सुश्रुत जी, कृपया एक समस्या का समाधान कर दीजिए। अवश्य। हम बहुत ध्यान से शल्य चिकित्सा करते हैं, किंतु फिर भी बहुत से रोगी मर जाते हैं। इसका क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है आचार्य जी। इसका सबसे मुख्य कारण है संक्रमण। संक्रमण? किंतु हम तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन एक कमी रह जाती है। वो क्या? वो कमी है हमारे उपकरणों में। अच्छी तरह धोने के बाद भी उनमें कुछ कीटाणु जीवित रह जाते हैं। इसलिए उपकरणों को पूरी तरह संक्रमण रहित करने के लिए उन्हें तेज आग में तपाना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए आचार्य जी। कभी कभी रक्त का थक्का जमने से भी बहुत से रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए? उसका तो बहुत ही सरल उपाय है। रक्त को जमने से रोकने के लिए हम विषहीन जोंकों का प्रयोग कर सकते हैं। जोंकों का प्रयोग? हाँ, विषहीन जोंकों का प्रयोग। ये जोंकें अपनी लार के साथ एक स्राव छोड़ती हैं, जिससे रक्त में थक्का नहीं जम पाता। वाह 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 आचार्य सुश्रुत, हम भाग्यशाली हैं कि इस युग में पैदा हुए। हाँ, हाँ। जिसमें आप जैसे चिकित्सक का साथ मिला। धन्यवाद। निश्चय ही आपने आज हमें बहुत सी नई जानकारियां दी हैं, जो हमारे बहुत काम आएंगी। हाँ। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संसार के सभी चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य जानते हैं कि जोंकों की लार में हेपरिन नाम का एक स्राव होता है, जो खून को जमने नहीं देता। सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार की शल्य क्रियाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। नाक, कान और होंठ की शल्य क्रिया का वर्णन तो सुश्रुत संहिता में किया ही गया है। उन्होंने शल्य क्रिया में काम आने वाले 100 से भी अधिक यंत्रों का आविष्कार किया। उन्हीं यंत्रों का विकसित रूप आजकल प्रयोग किया जाता है। वास्तव में सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जा सकता है। आचार्य सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख जयप्रकाश विलक्षण, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, आकाश और आशीष इलाहाबादी, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।